आपने देखा जब बच्चा छोटा होता है, मतलब पैदा होता है, तो हम उसका ऐसे मुंह करके आप देखना, उसकी जीभ हमेशा तालू के साथ चिपकी होती है। कभी देखे है किसी ने? हाँ, बट वैसे तो हम जब बात नहीं करते तभी भी हमारे ऊपर ही चिपकी हुई रहती। नहीं, पूरी मतलब आपके पूरा जो तालू है, तालू में और जीभ में काफी डिफरेंस होता है। तो जो तालू है ना, आपने देखो बच्चे का यहाँ पे हाथ लगाओगे ना, बहुत नरम होती है ये हाँ जगह, जी, हाँ जी, ये ना नरम, तो बच्चा हमेशा तालू के साथ लगा के रखता है, तो ये उसके ऊपर हो जाती है ये जगह। और ये वाला चक्र कौन सा है? सहस्रार चक्र। तो सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र से ही मेडिटेशन करने में हम क्यों बोलते हैं कि ध्यान थर्ड आई पे लेके जाओ, ताकि सहस्रार चक्र खुल सके, वहां तक आप पहुंच सको। तो वो जीव को अगर तालू के साथ लगा के रखते हो, तभी आपका वहां तक अटैचमेंट जा पाओगी, तब कर पाओगे। हाँ, मैम इसके लिए मैंने ये भी सुना है कि सपोज आप अपने बॉस के साथ कुछ मीटिंग करने जा रहे हो या कोई इम्पोर्टेंट डील की नेगोशिएशन होने जा रही है, तो जब आप बोलने से पहले आपने अगर ये टच किया तालू को और उसके बाद आपने बात करना शुरू किया तो उससे बहुत फर्क पड़ता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना, जब भी आपकी जीभ तालू पे टच करती है, तो आपका सहस्रार चक्र उसे एक्टिवेट होता तो आपकी जो वाणी होगी वो बहुत सही है। निकलेगी और जो भी तो आप बात जितनी देर करेंगे आप कन्वे जितना ज्यादा करेंगे। टाइम के लिए वहां पे रखते हो, सही कह रही हूँ कि जितनी ज्यादा देर के लिए आप रखते हो, उतना ही आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता True. है। ठीक है, तो अभी सूर्य जिस जिसका खराब है, वो बस इतना काम कर लो, इस चीज की आदत बना लो कि घर से निकलना है गुड़ खा के और पानी पी के। चाहे थोड़ा सा ही लो, किसी को डायबिटीज है तो भी थोड़ा सा लेने से कुछ नहीं होता। चंद्र उसके बाद आते हैं चंद्र। जिसका भी मून खराब होगा, तो उसको अपनी माता का, मदर, नानी, दादी, इनके साथ इतने रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो सुख खराब होगा, तब उनके साथ तालमेल नहीं बन पाएगा। और अगर वो नहीं है, तो ऐसे बंदे का मन शांत नहीं रहता, अजीब सी बेचैनी होने लग जाएगी। मैम मदर इन लॉ ऑल्सो कम्स इन दिस। हाँ, मदर मदर इन लॉ, नानी, दादी, मौसी, ये सारे मुंह के ही होते हैं। तो इनके साथ अगर आपकी नहीं अच्छे से बनती, तो मन शांत नहीं रहता। और जब फुल मून होता है ना, उसके नजदीक में आके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। जिनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, उनका मूड खराब होता है, और ऐसे लोगों की ना महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो जैसे टच है, उसका इतना फील नहीं होगा, स्मेल नहीं उनको इतनी ज्यादा आएगी, मतलब फील नहीं होती ऐसी चीजें। उनके सेंसेस कम हो जाते हैं, क्या चीज? सेंसेस उनके कम हो जाते हैं। सेंसेस कम हो जाते हैं। के घर में जो नल है, टैब्स होंगी, वो या तो लीक होनी शुरू हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ टैब से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती। पानी की टंकी में पानी खत्म हो जाएगा, जब जरूरत है तब पानी नहीं मिलेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। किसी का? मेरा मुझे ना ऐसे लगता है कि मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक मैं बेचैन बहुत रहती हूँ। बाकी सब कुछ ही नहीं है, बट आई फील कि मुझे हाँ, मूड एकदम स्विंग्स से होते हैं। बेचैनी शुरू होती है कि जैसे समझ में ही नहीं आता, रोने का मन करने लग जाना, मैम जैसे और मान लो स्पेशली एकदम संध्या का जो मतलब मेरा शांत होने इसमें के बाद। कुछ भी नहीं है, और मेरी नानी दादी सबसे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे। नानी तो मेरी अभी गुजरी हैं, बाकी सबसे मेरी सास से भी मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और ये सब ठीक है मेरा। मतलब मुझे लगता है मेरा मूड मंदा नहीं है।
मैम जैसे कहीं एकदम से पता चले कहीं जाना है मान लो, तो पहले भी बताओ 10 दिन पहले भी, जैसे मान लो अभी शाम को जाना है, कल जाना है, माइंड में होगी जाना है, तो भी सोच के कुछ होना एकदम से अच्छे वाले खुश, तो हाँ उनका भी मूड खराब कि हाँ मतलब कुछ ऐसा है ना एकदम से। जल्दी घबरा जाते हैं ऐसा बनते हाँ हैं, मतलब पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है। वो जिसका भी मूड खराब होता है उनके ही ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। मतलब शाम को मुझे ऐसे और हर फीलिंग है, 15 दिन में, यानी कि क्योंकि जो फुल मून है वो 15 दिन के बाद आ जाता है, तो मतलब 15 दिन अमावस्या रहती है, तो 15 दिन में उनका मूड स्विंग्स होने ही स्विंग, होने, बिना रीजन के उनको रोना आएगा या गुस्सा ज्यादा आएगा। या लड़ाई करे जाना बिना बात के। हाँ इरिटेशन हो, एंजाइटी सी होती है, हाँ गुस्से हाँ वाली हाँ एंजाइटी, गुस्से वाली नहीं, अंदर से ही उनको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, मन नहीं लगता। हाँ तो आपको ऐसे सिम्टम से ही पता चल जाएगा अगर आपके बच्चे का किसी का मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या तो आपका कहना नहीं मानते तो भी, मतलब मदर का अगर बच्चा नहीं कहना मानेगा तो मदर को तो पता चलेगा कि इसका मूड खराब होने जा रहा है, तो उसको बच्चे को आदत डाल दो कि हमेशा अपनी माता के चरण छुए, हमेशा अपनी माता से, सास से, मौसी से, दादी से, नानी से रिलेशन अगर अच्छे रखते हो तो मन आपका उतना ही स्ट्रोंग होता बट है ही नहीं है। कोई सबसे तो। हमें लगता है कि ये चीज कोई अगर है नहीं तो जिसके भी बाल सफेद है। आपको बहुत पता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिप्रेशन की क्यों चल रही है? सबसे दो हजार ज्यादा के साल प्रॉब्लम क्या था जयश्री जी? टू हम थाउजेंड वन सनलाइट लोग नहीं ले रहे, इसलिए जहाँ पे अंधेरा, जैसे आपने बताया था कि वेस्ट में अंधेरा होता है हाँ, तो ये अंधेरा ऐसा। होने से होता है, लेकिन जो ये चीज है ना, मन कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के हारे आज हैं। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब लोग मन से हैं, तो मन से ही डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिसका भी मूड खराब है वो डिप्रेशन में भी जाते हैं। और कुछ लोग तो मतलब उनको पता भी नहीं होता कि उनको डिप्रेशन है, पर उनको होता है, या डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर के मतलब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि डिप्रेशन होना पागलपन की निशानी है, जबकि वो मन की बीमारियां हैं। और क्यों हो रही है पता है? क्योंकि आजकल हर कोई ना बाल डाई करता है, बाल काले रखते हैं, है ना? मतलब मुझे नहीं लगता कि आप सब में, आपने किसी के बाल सफेद देखे होंगे पूरे कलर किया है मैम मेहंदी आज। लगाने से भी, इसका इसका क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक ये है, जितनी भी बुजुर्ग औरतें हैं ना वो मून की हैं, जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी जेंट्स हैं ना जिनके सफेद बाल हैं वो बृहस्पति हैं। जैसे आपने अभी कहा कि जिनके है ही नहीं, अब जिनके माता पिता ही चले गए हैं दुनिया से, तो अब सफेद बालों वाला अगर कोई मिलेगा ही नहीं तो डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि आजकल किसी के सफेद बाल दिखते ही नहीं है। तो हम ये लाल किताब का एक बहुत पावरफुल उपाय है कि अगर बृहस्पति सही करना है तो जिसके सफेद बाल हैं उस बंदे के चरण स्पर्श कर लो या उससे आशीर्वाद ले लो। जिसके भी बाल सफेद होते हैं उनका आशीर्वाद बहुत जल्दी पूरा होता है, लेकिन आजकल की जितनी भी माताएं हैं, जितने भी पिता हैं, वो बाल काले करके रखते हैं, तो बच्चों को क्या वो का जीवन संवार लेंगे। फैंसी तो बहुत कॉमन है, लोग हर कोई डाई कर रहे हैं। मेरे को सब लोग हाँ बोलते हैं कि आप डाई क्यों नहीं लगाते, आपके बाल सफेद होने लग गए हैं, तो हो ही जाए फिर क्या हुआ? अगर हमारी एज हो रही है तो एज को कितना छुपा लेंगे, चेहरे की झुर्रियों का क्या करेंगे, आंखें जो अंदर को धंसेंगी उनका क्या करेंगे? मैम फिर एस्ट्रोलॉजिकली इसका मीनिंग ये भी होता है जिसके बाल सफेद हो रहे हैं उसका मून कम हो रहा है? उसका मून अच्छा हो रहा है, जिसके बाल ओके सफेद हो जाते हैं उसका मून अच्छा, क्योंकि वो खुद ही एक मून का रूप बन जाता है जिसके भी। ये आपको कभी कहीं से भी ये बात नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये लाल किताब की है कि जिसके भी बाल सफेद होते हैं ना, जिस भी लेडी के बाल सफेद, उम्र से, एक तो होता है कि एज से पहले ही सफेद हो गए, जैसे अभी मेरी एज है 50 के करीब होने लगी हूँ, तो बाल सफेद होने तो शुरू होंगे ही ना।
तो जिसके एज के हिसाब से हो जाते हैं तो उसका आशीर्वाद बहुत जल्दी फलीभूत होता है, उसके चरण स्पर्श करने से मुंह ठीक होता है। तो अगर जिसका मुंह खराब है तो उनको चाहिए कि जो बुजुर्ग लेडीज हैं उनसे आशीर्वाद ले तो सही हो जाता है। मैम आपने कहा जिनके जेंट्स के वाइट बाल है वो बृहस्पति का रूप है और हाँ, लेडीज किसका रूप हो जाते हैं? लेडीज चंद्र का मून, चंद्र। इसीलिए तो डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपनी एज के चक्कर में बाल डाई करवा के रखते हैं, कलर करवा के रखते हैं। मेरे हस्बैंड आज ही डाई कराते लेके आए थे। अब जितने भी मतलब मैं ये नहीं, मैं कट्टरता में तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखती, ना ही मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मैं बाल डाई नहीं करवाऊंगी। मेरे मम्मी है, मैंने उनको भी नहीं डाई करने दिए थे। मैंने कहा आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, जैसे हो, जो है ओरिजिनल रहो। मेहंदी मैं मेहंदी भी नहीं लगा सकते। से लाल हो गए। हाँ मतलब जो लोग भी सिर पे मेहंदी लगाते हैं ना, उनको लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। एक नया टिप ये भी लिख लो, जो लोग भी मेहंदी लगाते हैं, एक तो है कि ब्लैक कलर की डाई। नहीं मेहंदी बहुत लगाई है मैं तो शौक तो बहुत लगाई है धोखे मिले मैम। 90s में तो सब लोग मेहंदी लगाते थे, मतलब हाथ पे भी नहीं लगा सकते, नहीं, हाथ पे लगाओ, सिर बालों पे। पे। एक्चुअली क्या है, सिर जो है वो राहु का है, जो बाल होते हैं वो नहीं शनि के होते हैं। मतलब हर हर चीज एक प्लेनेट से जुड़ी हुई है। अब उसपे आपने मेहंदी लगा दी, मेहंदी का लगा रंग कौन सा है, हरा रंग, तो उसको क्या किया, बुध और राहु को मिला दिया, और उसमें कलर कौन सा आ गया, रेड कलर आ गया, ब्राउन। हाँ मंगल। मंगल मतलब अगर मेहंदी का वैसे कलर मंगल देखे तो रेड ही है ना। रेडी है। हाँ, तो जो लोग भी, जरूरी नहीं मेहंदी, अगर कोई रेड कलर के बाल भी करवाता है ना कलर, तो उनको भी धोखा मिलता है। मंगल की चीज को आपने रख लिया सिर पे। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मैम। मैं कह तो रही हूँ कि ये चीजें जो है ना लॉजिक है, लाल किताब ऐसे ही नहीं बनी हुई। हर एक चीज जो है ना वो बहुत ही डीप में जाके उसकी रिसर्च के बाद वो लाल किताब लिखी गई है। आजकल तो लोग हेयर कलर करा दे रेड। हाँ, हाँ रेड करवाते स्टिक हैं, कराते हैं, रेड ग्रीन ब्लू सारे कलर पर्पल। आते हैं। लेकिन अगर किसी को आप में से कलर करवाना है ना, तो गोल्डन करवा लिया करो। गोल्डन कलर अच्छा आता है, बृहस्पति कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता। गोल्डन मैम गोल्डन बाल कलर के जो ब्लॉन्ड बाल ब्लॉन्ड होते हैं ना, अंग्रेजों सॉरी मैं जैसे ब्लॉन्ड मैम बोल नेचुरल गई। कलर भी ठीक है ना, जो हमारे बाल का कलर है नेचुरल वो नहीं हाँ, ना। आप चाहे काला करो, सिर्फ जो मेहंदी है वो नहीं लगानी चाहिए, लाल कलर नहीं करवाना चाहिए। अवॉइड रेड है, बाकी कोई भी कलर आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आप गोल्डन करवाते हो तो रॉयल्टी आती है। ओके मैम फ्लिक्स फ्लिक्स करा लो चाहे। हाँ, फ्लिक्स करवा लो अच्छा चाहे। है मैंने मैंने 3 साल पहले करवाई थी गोल्डन, मैम अभी सारे तुम्हारे को खत्म चलाने हो भी देनी, डांट जिस दिन कराई ना डांट पड़ जानी ये क्या कर अभी। लिया है। तब मैं एक साल कराऊंगी के बाद मेरे अभी। बाल व्हाइट मिलेंगे। नहीं, मैं सही कह रही हूँ कि अगर आपके बाल व्हाइट हो गए तो आप अपने बच्चों को जो आशीर्वाद देते हो वो पूरा होता है। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते? एज तो देखो, एक ना एक दिन तो बुढ़ापा दिखना ही है। गोल्डन बट गोल्डन करवाएं तो आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं उनको? करवा लो, पैसा तो मिलेगा ना, रॉयल्टी ज्यादा मिलेगा। भी मिलेगी मैम आपको तो फिर नहीं, गोल्डन डबल। करवाएं तो उनको आशीर्वाद दे सकते हैं ना? आशीर्वाद तो माँ तो हमेशा ही आशीर्वाद वो तो देती देती है, वो रहती है बट देती रहती है। पर आप ये देखो, अगर आपका मन परेशान रहता है आपसे करा तो रहे खुद थोड़े के लिए भी है कि जो आ रहा है जैसे आ रहा है नेचुरल आने दो। डिप्रेशन की प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ इसीलिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग बूढ़े ही नहीं होना चाहते। करना पहले लोगों में थोड़ी शर्म भी होती थी, बच्चों में भी होती थी कि ये बुजुर्ग है, कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं पे, तो वो देखता था ये बुजुर्ग है तो उठ के सीट दे देते थे कि आप बैठ जाओ। जब बुजुर्ग देख के खुद
कोई गलत हरकत नहीं करता था कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। आजकल कोई बुजुर्ग ही नहीं दिखता। सारे ही जवान है। आजकल किसी को आंटी कह दो, माता जी कह दो, वो खाने को दौड़ेगा, तेरे को मैं आंटी लग रही हूँ। होता है ना ऐसे ही। चलो अगर बाल नहीं आप सफेद करना, मतलब वो नहीं करना चाहते, अपने आप पे बुढ़ापा नहीं लाना चाहते, तो उसके बिना अगर वैसे आपका मन परेशान रह रहा है, तो 43 days अपने सिरहाने रोज पानी रखो, खुला पानी रखना है, किसी ग्लास में रख सकते हो, किसी बाउल में रख सकते हो, और सुबह उसको किसी कांटे वाले झाड़ में डाल दो, और अपनी माँ से जरूर बना के रखो। क्या करना वहां से क्या? अच्छा मैंने कहा अपनी माँ से जरूर बना के रखो, जिनकी भी अपनी माँ के साथ नहीं बनती ना, उनका नहीं, चंद्र बट खराब है है। नहीं ना, मम्मी भी नहीं है और मदर इन लॉ भी नहीं है। हाँ तो तभी कह रही हूँ ना कि वो नहीं है, तो अगर आपका मन परेशान रहता है तो 43 days के लिए सिराने पानी रखो, और उसको सुबह जाके किसी कांटे वाले पोते में डाल दो। बेसिन में डाल दिया तो नहीं चलता? नहीं, गुलाब भी छुपा सकते हैं, एलोवेरा दे भी कंडे लगे हों, हाँ मतलब एलोवेरा, कांटे लगे एलोवेरा हो हों। गया, गुलाब हो गया, उसमें रख सकते हो। तब पानी की क्वांटिटी कोई स्पेसिफाइड नहीं है? नहीं, बस पानी होना चाहिए, ढका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ओपन पानी हो। और एक और काम करो कि आप चांदी के किसी भी बर्तन में गंगा जल भर के उसके अंदर चांदी का 1 square piece लेके वो डाल दो, उसको ढक सकते हो, उसको अपने बेडरूम में रखो। मैम रिपीट मैम कर फिर से दूंगी, बताइए। वापिस प्लीज बोले ना रिपीट। मैम, वापिस। चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ही ढक्कन लगा दो, और उसको अपने बेडरूम में रखो, इससे मून स्ट्रोंग होता है। स्क्वायर, मैम चौकोर मतलब रेक्टेंगल नहीं, प्रॉपर स्क्वायर हो, प्रॉपर स्क्वायर। प्रॉपर स्क्वायर चांदी का बर्तन होना चाहिए। नहीं, चांदी का बर्तन कोई भी हो, उसमें 1 square piece रखना है, कम ओके। से कम इतना साइज हो, इंच बाय इंच का, ठीक है। हाँ और थिकनेस जी, कितनी है उसकी? टर्न करो आप। अच्छा मैम गंगा जल मतलब जिदा असि जो हम घर में अमृत रखते हैं, या गंगा जल जो गंगा जल होता है? नहीं, गंगा जल मार्केट से भी मिल जाता है। ओके एक्चुअली में जो गंगा जल है, अगर गंगा जल आपके घर में नहीं है नहीं या है। मार्केट से भी आपको नहीं मिलता, तो जो बरसात का पानी है ना, जो पहले जैसे बरसात काफी निकल जाए उसके बाद साफ पानी आता है, नहीं तो पहले वाला जो पानी आएगा वो गंदा आएगा, तो बरसात का पानी भी रख सकते हो। और मैम कब कब चेंज करना है उसको? जब सूख जाए, उसको और सूखने मत दो, कहाँ रखना है, मतलब बेडरूम में कहाँ, मतलब बेड साइड कहीं वो पोजीशन भी रख लो, कहीं आपके पे, बेडरूम में हमारे होना चाहिए। साइड ही चलेगी कोशिश जहां करो पर। कि नॉर्थ ईस्ट, आपके रूम बेडरूम का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे रख दो, तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो कुंडली का चौथा घर हो जाएगा, तो वहां पे चंद्र उचका है तो पैसा भी दिलाएगा। बस रख के बस बस ऐसे ही रख देना है ना, सिर्फ कुछ करना नहीं है उसको। कुछ नहीं करना, बस आपके रूम में पड़ा आना चाहिए, उसको 10 15 दिन या महीने में देख लो कि पानी उसमें खत्म तो नहीं हो गया, खत्म होने वाला है, तो सूखने मत दो, पहले ही डाल दो जैसे, क्योंकि वो अपने आप बंद उसमें ढक्कन भी लगा होगा फिर भी पानी कम होता है। जब भी डालना है गंगा जल डालना है या फिर बारिश का पानी, साफ बारिश पानी? का साफ अगर गंगा पानी, जल थोड़ा हो उसमें पानी में मिक्स कर उसको बढ़ा लें तो चलेगा? क्योंकि हाँ चलेगा। गंगा मैम जल अगर बहुत ये ज्यादा महंगा ग्लास के कंटेनर है। में, ऐसे गंगा हाँ जल आजकल इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, कभी मैम लिया अगर आपको? ग्लास के कंटेनर में गंगा जल डाल के स्क्वायर शेप डाल के फिर उसको ढक के रख दिया तो भी चलेगा मैम, क्योंकि हाँ वो तो भी दिखने में भी चलेगा। आएगा, मतलब भूल ना जाए। मैम उसको और ढकना किससे है? किसी भी चीज से ढक सकते हैं, स्टील प्लेट वगैरह से, चांदी कोशिश करो चांदी के ढक्कन से ही, का और ही तो ढक्कन? चांदी की कोई डब्बी ले लो, उसमें डाल दो। हाँ एग्जैक्टली।
और कभी भी पूरी फैमिली के लोग रात को सूर्यास्त के बाद सफेद चीज नहीं खाएंगे। दूध, चावल, आइसक्रीम, कुछ भी खाना है ना, उसका कलर चेंज करके व्हाइट नहीं खाना। दूध, दही, चावल, खीर, मतलब हल्दी का दूध पी इसके सकते हैं डेली रूटीन में मैम मतलब पीना ही नहीं है। सबके इसको लिए? तो रोज एक चावल कलर खाते हैं व्हाइट? कलर चेंज करके हल्दी डाल लो, थोड़ी सी केसर डाल लो, हल्दी डाल लो, कलर चेंज कर लो। जो लोग भी रात को व्हाइट कलर के चावल खाते हैं वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, विल पावर उनकी कम हो जाती है। तो इसलिए कभी भी सूर्यास्त के बाद मतलब मूड मैम कभी भी खराब नहीं होगा। ऐसे बंदे को लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा जो लोग शाम को सूर्यास्त के बाद सफेद चीज नहीं खाते। मैम लस्सी भी? लस्सी भी हाँ, लस्सी भी लस्सी तो रात को पीना भी नहीं चाहिए ना? नहीं, जैसे कई हाँ, बार बच्चे शाम को पी लेते हैं ना। नहीं, लेकिन उसका कलर चेंज करना पड़ेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको। अच्छा मैम, जैसे जीरा राइस बनती है, हल्का कलर चावल का चेंज हो ही जाता है, वो प्योर व्हाइट नहीं रहता, वो ठीक नहीं, है? वो भी व्हाइट ही है, उसमें अच्छा, वो भी नहीं चलेगा। हल्दी डाल लो। दूध नहीं पीना है, दूध में केसर डाल लो या कोई हर्ब्स वगैरह कुछ भी शेक बना लो। कलर यानी कि चेंज करना, व्हाइट चीज नहीं खाना। शेक सुबह से भी शाम को कभी ही ना, ठीक हो दिन को जाता है? चलेगा। हाँ, दिन को तो चलेगा, दिन को तो कितना भी व्हाइट खाओ। सूर्यास्त के बाद एक्चुअली क्या है कि सूर्यास्त के बाद शनि का पीरियड शुरू हो जाता है, तो शनि हमेशा चंद्र को डिप्रेशन देता है। तो वो चीज आप अंदर लेके जाओगे, सफेद चीजें चंद्र की हैं, तो उनको आप अंदर लेके जाओगे। ये अगर आपका मून सही भी है फिर भी आप इस चीज पे अप्लाई रखो, क्योंकि ये लाइफ, एक और भी बात है ना, चंद्र खराब होता है तो पैसे की दिक्कत भी लाइफ में आती है। अगर आप ये चीज करते हो तो चंद्र खराब ही नहीं होगा, फिर लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसे को। और जहां पर भी कभी कोई आपको बुजुर्ग लेडी मिलती है तो उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठो या बातचीत करो, तो देखना आपको कितनी पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू। मैम पनीर भी इसमें इंक्लूडेड होगा? क्योंकि पनीर पकने के बाद तो पनीर व्हाइट कलर की कोई भी चीज है। और में कौन हल्दी डाल घर में सकते हैं? पनीर नहीं बनाना चाहिए, जो हम दूध फाड़ के बनाते हैं ना, चंदर को खराब करता है। तो मैं तो बनाती ही फिर घर, बाहर का लाती नहीं। डिस्टरबेंस भी होगी, पैसों की दिक्कत भी आएगी, मन परेशान रहेगा, खुशी नहीं नसीब होती ऐसे। मतलब घर में हम खुद से पनीर ना बनाएं? और एक दूसरा रीजन है पनीर मेरा मना करने का, दूध है, पनीर होता है, सॉरी नींबू होता है, खटाई हम डालते हैं ना, कोई भी खटाई होगी वो केतु की होती है। चंद्र और केतु जब भी मिलते हैं, यानी कि दूध में जब भी खट्टा डाला ना, तो वो चंद्र ग्रहण बनता है, क्योंकि चंद्र और केतु को हमने खुद ही मिला दिया, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। सिरका डाल के भी नहीं बना सकते? कुछ भी खटाई है ही केतु की, आप क्या कर रहे हो, दूध को फाड़ रहे हो, मैं बाहर का लाती नहीं, इतने साल हो गए घर में ही दूध को बनाती। खराब ही कर रहे हैं ना। मतलब आप कह रहे हो कि पनीर फिर खाना ही नहीं चाहिए कभी भी? नहीं, पनीर खाओ, लेकिन आपने खुद तो नहीं बनाया ना, अपने हाथ से बना रहे अच्छा, हो, मींस आप खुद समझ को खुद गए। खराब कर रहे हो। तो क्या होगा, केतु ओके। होता है अपनी औलाद, वो लोग भी घर में दूध बनाते, दूध दूध का पनीर बनाते हैं ना पनीर खट्टा डाल के, उनकी जो नर संतान है यानी कि उनका जो लड़का होगा वो उनकी इज्जत नहीं करेगा और उनकी सेवा नहीं करेगा। ओ दही बना सकते हैं घर में? तो हाँ, दही बना सकते हो। दही में भी तो खटास ही जाएगी ना, मतलब दही भी खट्टी चीज है, दूध में दही में व्हाइट ही चीज गई ना, लेकिन जो व्हाइट चीज से ही हमने किया उसको, दूध को खराब नहीं किया। अब दही का आप कुछ भी वेस्ट फेंकते हो, लेकिन जो पनीर का वेस्ट पानी तो फेंकते हो ना। मैम कई लोग उसका आटा गूंथते हैं, हम तो फेंक देते हैं ना। हाँ, पर वो तो खराब गया ना, हाँ दूध को खराब करना, दूध को जलाना, खोआ बनाना,
ये सारी चीजें, जितनी भी हम दूध के साथ पंगे लेते हैं ना, समझ लो कि हम अपने मन के साथ पंगे ले रहे हैं। हमारा मन परेशान रहेगा ही रहेगा, और पैसों की दिक्कत भी रहेगी रहेगी। और अगर दूध का पनीर बना रही है तो हमारी औलाद से भरोसा, मतलब वो नहीं रखना चाहिए कि कल को कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपकी सेवा करेंगे। ये बहुत अच्छा टिप है। अच्छा बाकी के नहीं अच्छे? मैंने इतनी मेहनत से नहीं इनको मैम, पता तैयार क्या है, वो चीज मैं करती आ रही हूँ कंटिन्यूअसली। मैं बट वैमली हूँ, ये तो बाहर भी आप शिफ्ट लोगों हो में सब गई। लोग करते होंगे। हाँ चावल हाँ हम हर कोई शायद तक के शाम को व्हाइट खाते हैं, हाँ जहां तक कि मैं भी हूँ, शाम को तो व्हाइट हम चावल। लोग हाँ भी तो नहीं खाते इसीलिए हैं। परेशान भी तो हम लोग खुद ही है ना। और इसको आप करके देखो, एग्जैक्टली ठीक है ना, जब आप करके देखोगे आपको पता चलेगा, फिर आप कहोगे चलो। और ना सी मेरे को याद किसी बहाने तो करोगे कि इन्होंने हमें सिखाया था और तो हमने। नॉर्थ हम में तो आपको सारे याद करने भरते के लिए पनीर बहाने की बनाते होंगे। जरूरत ही नहीं है। आपको तो हर दिन याद करेंगे हम। नॉर्थ में तो सारे आपके पनीर साथ घर ही पे रह बनाते के याद होंगे ना। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, साथ हाँ ही रहेंगे। नहीं, मतलब मेरा जो मोटिव है कि आपका भला होना चाहिए, आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, मैं उस हिसाब से ये कोर्स बनाया कि लाइफ, अपने लाइफ डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि अपनी लाइफ को हम खुद ही डिजाइन कर सके, अच्छा बना सके। ये सब लाल किताब के उपाय है मैम। लाल किताब के, इसीलिए तो किसने लाल लिखी है लाल किताब, किताब? पंडित रूपचंद जोशी जी। अच्छा मैम एक क्वेश्चन, मैं थोड़ा बीच में गई थी। सपोज अगर दूध जैसे खुद ब खुद फट जाता है, तो उसमें से हम यूजुअली पनीर बनाते हैं, तो वो भी नहीं करना है, फेंक देना है फिर उसको? नहीं, वो तो खुद खुद ब खुद खराब हुआ ना, आपने हाँ नहीं हाँ किया। दूध नहीं, हाँ को गिरने भी नहीं देना चाहिए, जैसे कुछ लोग हाँ ए जांच पे रख देते हैं और दूध जाता है, उससे भी पैसे का नुकसान होता है। दूध को आप पैसे से जोड़ो, अपने मन से जोड़ो। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मन से बहुत कमजोर होते हैं। मैम खोया और ये सब भी नहीं बनाना है? रबड़ी जैसे हम बनाते हैं, पिस बनाते हैं कोशिश दूध। करो ना बनाओ, पर पनीर तो मना ही मना है। बाकी चीजों की मैं मना ही नहीं करती, कि वो कुंडली देख के पता चल जाता है कि इनका चंदर कैसा है। तो कुछ लोग जैसे हाँ, खोया जो बनाते हैं उसको दूध को जलाना बोलते हैं, पैसे का नुकसान उसमें भी होता है।